आर डिस्कसिंग चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल। आज जो हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर 6 से डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपका 4 चैप्टर छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने आपको 3 डायरेक्ट 6 करा रहा हूँ। मैं आपका 4 चैप्टर जो है बाद में कराऊंगा, क्योंकि हमारा 6 चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर भी है और काफ़ी कुछ समझने को भी है इसमें, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप जो हैं आपके स्कूल के ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपके ग्रुप है सब में शेयर करिए, ठीक है। तो पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि लाइंस एंड एंगल होता क्या है। सारे एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के एंगल बनते हैं, जितने भी टाइप के रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल, सब कुछ समझेंगे एक बार में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे स्टूडेंट बन के। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो समझते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे मैंने तीन पॉइंट लिए हैं। कौन कौन से पॉइंट? आपका फर्स्ट पॉइंट है लाइन, सेकंड पॉइंट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन और आपका पैरेलल लाइन। जब हमारे तीन टाइप की लाइन होती हैं तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, जो हमने जैसे मैंने एक लाइन खींच दी आपका, इसके से आप लाइन खींचते हैं इस तरह से, एक लाइन खींच दी मान लो ए बी, ठीक है, दूसरी लाइन खींच दी पी क्यू, तो ये क्या होती है, हमारी लाइंस होती हैं। लाइंस आपने देखी, लाइंस हम कितनी भी बड़ी खींच सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं होती। तो लाइंस हमारी इन्फिनाइट तक होती हैं, एक पॉइंट से हम कितनी सारी लाइन खींच सकते हैं। जैसे एक पॉइंट है हमारा, हम इससे कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, एक लाइन जे, एक लाइन जे, एक लाइन जे, एक लाइन जे, तो हम एक पॉइंट से भी बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। और लाइंस तो हमारी टेढ़ी भी हो सकती हैं और हमारी मतलब सीधी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन जो वो होती हैं जब एक दूसरे को काटती हैं। जैसे मतलब मैंने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी। तो कौन सा पॉइंट होगा, वो ओ पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओ मान लिया, तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है, ओ पॉइंट पर हमारी क्या काट रही है, काट रही हैं इसे। तो इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। पैरेलल लाइन वो होती हैं जिनकी डिस्टेंस हर जगह सेम रहती है, कभी भी क्या होती है, बदलती नहीं है। तो अब आपके समझ में आओ लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। लाइंस की हमने बात कर ली, लाइंस एंड एंगल चैप्टर हमारा, तो लाइंस की मैंने बात कर ली। अब हम जितने टाइप के भी एंगल बनते हैं सबकी बात करेंगे बिल्कुल। अब आपको ध्यान से समझना है क्योंकि एंगल का ही सारा खेल है इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगर आपके एंगल समझ में आ गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम एंगल की। दो एंगल कितने टाइप के होते हैं हमारे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, डिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री से कम होती है। लेस देन क्या होती है, 90 डिग्री। जैसे आप अपने वो देखो, आप बनाते हैं, जब आप डायरेक्ट वो बनाते हैं कोई एंगल आपका आ जाए, मतलब 45 का आ जाए, तो आप बनाते नहीं इस तरह से, यहाँ पर आप वो रखते हैं अपना, यहाँ पे 90 यहाँ पे होता है आपका, यहाँ से आप खींच देते हैं, तो ये क्या होता है हमारा 45 डिग्री का, इस तरह से आप बनाते हैं, तो हमारा ये क्या होता है, एक्यूट एंगल। ये क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो ये तो हमारा 90 है, सीधा बिल्कुल सीधा क्या होता है हमारा 90 होता है बिल्कुल। जब 90 से इधर जो बनते हैं, इस साइड जो बनते हैं, वो हमारे होते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना। और ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री। और 90 से जो इधर बनते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ऑब्ट्यूज एंगल। इधर क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझिए, मैंने क्या बताया आपको, ये हमारा 90 डिग्री है, ये क्या है हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री से इधर बनने बनने वाले क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। और 90 डिग्री से इधर जो बनते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, वो सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ ठीक है। और ये 90 डिग्री का क्या होता है, वो होता है राइट एंगल। तो आपके तीन एंगल क्लियर हो गए, कौन कौन से, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, राइट एंगल 90 डिग्री से बड़ा, राइट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है ना। और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180, मतलब जैसे लाइन है, ठीक है ना। तो लाइन हम पे हमारा जो एंगल बनेगा
वो यहीं तक होता है पूरा, इस तरह से तो होता है बिल्कुल। ये तो जी हमारा क्या होता है 180, ये कितना होता है 180, पूरा एंगल जो होता है वो कितना होता है 180 का होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, 180 से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारी, जिसमें इक्वल टू 180, मतलब स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, तो वो जैसे लाइन है ये, ठीक है ना। अब ये लाइन पे जो एंगल बनेगा, मैंने बोला इस लाइन पे जो एंगल बनेगा इस तरह से, वो कितने का होगा आपको 180 डिग्री का होगा, कितने का होगा 180 डिग्री का होता है। हमेशा आप चीज़ याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल कितने का होगा 180 का। लीनियर पेयर होते हैं, क्या होते हैं लीनियर पेयर, हम इसे क्या लिखते हैं लीनियर पेयर। मतलब जैसे मान लीजिए ये लाइन है आपकी, ठीक है ना, मैं मान लूँ लाइन है ए बी सी डी, आपका डी ए, ठीक है ना, एक एंगल जी बनना है, एक एंगल आपका जी बनना है, तो आप क्या लिखेंगे एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना होगा आपका 180, कितना होगा 180, क्यों होगा लीनियर पेयर। हमें क्या, हम रीजन में क्या लिखते हैं लीनियर पेयर, मतलब 180 हमारे जो एक लाइन में बनते हैं एक ही वर्टेक्स पर जो एंगल बनते हैं सारे, वो कितने के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है ना। तो हम रीजन में क्या लिखते हैं, वो लीनियर पेयर होते हैं हमारे, क्या होते हैं लीनियर पेयर होते हैं, क्योंकि हम एक ही वर्टेक्स पर बना रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ जो आएगी आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं लीनियर पेयर, समझ में आ गए आपके। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से तो बड़ा होगा और 360 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है ना। तो 180 से तो बड़ा होगा, 360 से क्या होगा छोटा होगा, तो ये क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, मैं आपको बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एंगल, इसमें आपको एक टर्म समझनी है, एक टर्म क्या समझनी है आपको, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ आपके एग्जाम में भी आती है और काफ़ी बार आपके क्वेश्चन में भी दिखाई देगी आपको। जैसे मान लीजिए 54 डिग्री दे रखा है और आपसे पूछ रहे इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालिए, मैं आपसे क्या हूँ 54 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बताइए, तो आपको क्या करना है उस एंगल को 360 से माइनस कर देना है, उस एंगल को क्या करना है 360 से माइनस कर देना है, तो वो उसका क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो 54 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा 306, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। आपसे ये पूछा जाएगा, कोई आपको वो दे देगा ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि मतलब आपको 64 दे दिया, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल एक 64 आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको क्या करना है 360 में से 360 में से उसको एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो निकल कर आएगा वही हमारा क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। डेफिनेशन नहीं पूछेगा कोई, अब आपसे यही पूछेगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल निकालिए, और आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है रिफ्लेक्स एंगल को, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। स्ट्रेट लाइन बहुत, इनमें से दो जो है ना स्ट्रेट एंगल जो लीनियर पेयर पर बनती हैं, रिफ्लेक्स एंगल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है ना। अब समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, पेयर ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, चीज़ को समझिए। कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो जिनका एड जो होता है 90 डिग्री होता है। पेयर मतलब क्या होता है, जब दो एंगल साथ में बनते हैं या तीन एंगल साथ में बनते हैं पीयर बनता है, तो वो क्या होता है हमारा पीयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। अब कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक एंगल है हमारा एक्स, एक एंगल क्या है हमारा एक्स, दूसरा एंगल हमारा वाई, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, वही हमारे क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 होता है, मतलब एंगल X मान लीजिए एक एंगल है, दूसरा एंगल Y है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आप 44 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, 44 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो आप क्या करेंगे 90 में से 44 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आएगा 56 वो क्या होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, वो सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल। आपसे अगर पूछे 44 का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो 90 में से माइनस कर देंगे। अगर यहीं पर पूछ लेता कि 44 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो आप क्या करते 180 में से माइनस करते। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सप्लीमेंट्री दो कंप्लीमेंट्री उन दो एंगल से मिलकर बनता है जिनका सम 90 डिग्री होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल से मिलकर बनता है जिनका सम 90 डिग्री होता है।
और सप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल से मिलकर बनता है जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं को बहुत आसान है, इसकी इतना यूज नहीं होगा आपके में, बस मैं आपको समझा देता हूँ। एडसेंट एंगल क्या होता है, पड़ोसी एंगल क्या होता है, पड़ोसी एंगल तो पास पास बनते हैं, ठीक है ना। आपको आपको याद रखना है कि पास पास जो बनते हैं, एक्स का क्या होगा वाई होगा, वाई का क्या होगा जेड होगा, जेड का क्या होगा वाई होगा, वाई का क्या होगा एक्स होगा, पर एक्स का जेड नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी नहीं है एक दूसरे के, दूर दूर है ना, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि तीनों चीज़ें, कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, और एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पड़ोसी एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री वाले क्या बता दिए, 180 डिग्री वाले बता दिए मैंने आपको, जैसे मतलब मैंने बता दिया था आपको ये चीज़, एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये बनना है, तो इन दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री, मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो हमारे 180 डिग्री के होते हैं, क्या होते हैं 180 डिग्री, एक ही वर्टेक्स पर बनते हैं, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, एक ही हमारे क्या होते हैं वर्टेक्स पर बनेंगे, ठीक है। वर्टेक्स क्या हमारी ये वाली है, ठीक है ना, ये एंगल बनना है, कितनी भी आप एंगल बना दीजिए, आपसे मतलब नहीं है कि आप कितने एंगल बना रहे हैं, मैंने कितनी लेंथ खेल दी, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब क्या होंगे हमारे, और 180 डिग्री का होगा, क्या होगा 180 डिग्री का होगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन पर, किस पर बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन पर, जैसे एक लाइन ये खींची मैंने, एक लाइन ये खींची, ठीक है ना। तो ये एंगल जो बनना है हमारा, ये वाला एंगल किसके अपोजिट होगा, इस वाले एंगल के अपोजिट होगा, और ये वाला एंगल किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है, मान लो ए ओ बी, कौन सा ए ओ बी आपका 54 डिग्री है, तो आपसे पूछ ले डी ओ सी, कौन सा पूछ ले आपसे डी ओ सी, तो डी ओ सी भी कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ गया आपके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमारे क्या होते हैं, सभी का सम क्या होता है 180 होता है, ठीक है ना। एक ही लाइन पर बनने वाले, एक ही वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपके समझ में आ गए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बात करेंगे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल की बात करेंगे, ठीक है ना। अब जो हमारी नेक्स्ट जो बात होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल की बात होगी, इसलिए आप प्लीज़ नोट्स साथ में बनाते चलिए, ठीक है ना। नोट्स आप बनाते चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। पहला देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, मैंने आपको बता दी पैरेलल लाइन क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ से एम पैरेलल है एन के, हमारे क्या है एम जो है एन पैरेलल है, ठीक है ना, एम के पैरेलल एन है, और ये हमारे समझना है, ठीक है ना। इसमें चार टाइप के हमारे एंगल बनते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गई ये चीज, तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको एक्सरसाइज में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो आपको एक्सरसाइज में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, और आपके को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो आपको ये
साइड पर चलिए, आप उधर मत जाइए, इसी साइड पर चलिए तो नीचे जाइए, नीचे नीचे जाएंगे तो आपको जो वाला जो एंगल दिखेगा, मतलब एक तो जो है आपका बाहर है, एंगल वन क्या है हमारा, बाहर बनना नहीं बनना, आप दे दीजिए ये बाहर बनना है आपका एंगल वन, मतलब लाइन से जो है इन दो लाइन के बाहर बनना है एंगल वन, बाहर बनना है तो एंगल वन के जो फिर अंदर जो एंगल बनना है इसमें, इसी साइड में जो अंदर एंगल बनना है एक छोड़ के, क्या एक छोड़ के जो एंगल बनना है, तीन के बाद कौन सा आ रहा है, पाँच, तो दोनों आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है ना। एक का क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, इसी तरीके से आपका दो का क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, इस साइड में दो का क्या हो जाएगा आपका एंगल सिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। दो का क्या हो गया, छः हो गया, एंगल वन का कितना हो गया, पाँच हो गया, और एंगल दो का कितना हो गया, छः हो गया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। इसी तरीके से तीन का क्या हो जाएगा, एंगल थ्री का क्या हो जाएगा, अब एंगल थ्री हमारा अंदर बनना है तो उसी की साइड में बाहर कौन सा एंगल बनना है, सेवन बनना है, एक छोड़ के, मैंने बता दिया एक छोड़ के जो एंगल बनना है वो कौन सा होगा, सात हो गया आपका, ठीक है ना। तो तीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही लिख देता हूँ मैं, तीन का क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से चार का क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, एंगल चार का कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, एंगल चार का कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये चीज़ हमें समझनी है, मैंने आपको क्या बताया एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एक का क्या हो गया हमारा, एक का हो गया हमारा पाँच, एक का हो गया पाँच, तीन का हो गया सात, दो का हो गया आठ, और चार का क्या हो गया हमारा, सॉरी चार का हो गया आठ, दो का क्या हो गया, छः हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं अगर पैरेलल लाइन में बन रहे हैं तो। अगर हमारे पैरेलल लाइन में दो एंगल बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहीं पर भी बन सकते हैं, मतलब ऐसी लाइन पर बना दिए तो ये भी क्या होंगे आपस में, ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है ना, ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। मगर शर्त ये है कि आपकी अगर पैरेलल लाइन है, क्या है पैरेलल लाइन है, मैं आपसे कह दूँ पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा, क्या होते हैं हमेशा, क्या होते हैं, बराबर होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गई होगी करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर का मतलब होता है क्रॉस करने वाले, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, क्रॉस कट जो रहे हैं, बहुत सिंपल है इसको समझना। देखो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, अंदर जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, अंदर जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अंदर की बात करेंगे, केवल यहाँ पे बात करेंगे अंदर, ठीक है ना। तीन का क्या हो जाएगा, तीन का हो जाएगा छः, तीन का क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा आपका, और चार का क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये तो हमारा, चार का क्या हो गया, पाँच हो गया, क्योंकि ये अंदर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल इन पैरेलल लाइन। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, ये सारे एंगल क्या होते हैं जो बन रहे हैं हमारे, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन पे, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझिए आप। तीन का क्या हो गया, छः हो गया, चार का क्या हो गया, पाँच हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, जिस तरह से इंटीरियर बनना है उसी तरीके से एक्सटीरियर बनेंगे, कुछ भी नहीं है। अब अंदर की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल अंदर की हम यहाँ से बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम बात करेंगे केवल एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर एक का क्या हो जाएगा आपका, आठ हो जाएगा, क्रॉस में एक का क्या हो जाएगा आपका, आठ हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका क्या हो जाएगा आपका, दो का क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अल्टरनेट एक्सटीरियर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गए हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब बात करते हैं को इंटीरियर, ये क्या होते हैं ऑलवेज हमारे सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के, हम तीन क्वेश्चन कर, इसमें 6.1 में आपके छह क्वेश्चन है,
तीन क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा और तीन क्वेश्चन फिर मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। एक साथ कराने से आपका माइंड भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम धीमे धीमे करके चलेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आसानी से और धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर जिसको भी कोई भी दिक्कत लग रही हो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है ना। समझ में आया, एक बार मैं आपको लिख दे रहा हूँ सारे एंगल, ठीक है ना जी वाले जो हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। करस्पोंडिंग एंगल मैंने क्या बताया था आपको, एंगल वन का क्या आएगा हमारा 5 आएगा, एंगल वन का कितना आएगा 5 आएगा, एंगल टू का कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। और एंगल टू का कितना आएगा 6 आएगा, एंगल थ्री का कितना आएगा 7 आएगा, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 का कितना आएगा हमारा 8 आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपके समझे हो गए हमारे करस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। दूसरे एंगल मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 का कितना होगा आपका एंगल 6 होगा, एंगल 4 का कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 का कितना होगा आपका 8 होगा, 1 का 8 होगा और 2 का कितना होगा 7 होगा। ये हो गया हमारे अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ तक आप समझिए करस्पोंडिंग, ये दूसरे साइड जो तो आपके समझ में आ गए होंगे। आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। इन फिगर 6.13, कौन सा फिगर है हमारा 6.13 हमारा फिगर है, ठीक है ना, ये वाला फिगर। इसमें कह रहा है लाइंस ए वी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, मतलब हमारी जो लाइन है ए वी, कौन सी लाइन है, आप वाली लाइन दिख रही होगी आपको, ए से लेकर बी तक, ठीक है। ए से लेकर बी तक क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, ठीक है ना। और लाइन सी डी कौन सी लाइन, ये वाली लाइन देखिए, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जी वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ गई होगी आपको, किस पर कर रही है, पॉइंट ओ पर कर रही है, किस पर कर रही है ओ पर, क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। अब कह रहा है इफ एंगल ए ओ सी, कौन सा एंगल, जी वाला एंगल आपका ए ओ सी, जी वाला एंगल, ठीक है। और बी ओ ई कौन सा, बी ओ ई, जी वाला एंगल, दोनों का सम क्या है 70 डिग्री, क्या दे रखा है 70 डिग्री दोनों का सम दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे बी ओ डी और बी ओ डी भी दे रखा है, क्या दे रखा है बी ओ डी भी पूछ रहा है, ठीक है ना। बी ओ डी भी पूछ, बी ओ डी भी दे रखा है, कितना दे रखा है 40 डिग्री का दे रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे, बी ओ ई कौन सा पूछ रहा है, बी ओ ई पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, बी ओ ई पूछ रहा है, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स पूछ रहा है सी ओ ई का, इस सी ओ ई का क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो आपको बताना है, ठीक है ना। अब आप समझिए, देखिए अब एक चीज़ देखिए, आप यहाँ जो एंगल बनेगा आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। हम लाइन ले लेते हैं सी डी, कौन सी लाइन ले लेते हैं, सी डी लाइन ले लेते हैं। पहले हम निकालेंगे सी ओ ई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी ओ ई निकालेंगे, ठीक है ना। एंगल किसकी बात करेंगे, सी ओ ई की। देखो इस लाइन को देखिए आप, और यहाँ जो पूरा एंगल बनेगा मैंने आपको बताया था कितना होगा, वो 180 का होगा, कितना होगा 180 का होगा। अब इस लाइन को नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है ना। आपको कैसे समझना है, यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ जो, वो कितने का होगा आपका 180 का होगा। तो मतलब ये वाला एंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, इसमें ए ओ सी आ रहा है, कौन सा है? हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस, और कौन सा एंगल आ रहा है, सी ओ वी आ रहा है आपका, एंगल सी ओ वी प्लस, और कौन सा एंगल आ रहा है आपका, बी ओ ई, कौन सा एंगल आ रहा है, बी ओ ई, तीन एंगल ही तो आ रहे हैं आपके, वो आपको कितने हो जाएंगे 180। आप रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है ना, लिख दिया आपने। अब देखो ए ओ सी आपका एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई क्या आपका दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे सी ओ ई भी नहीं, सी ओ ई आएगा, क्योंकि सी ओ ई, ठीक है, सी ओ ई, ठीक है। अब एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई आपका कितना दे रखा है 70 डिग्री, तो हम ए ओ सी और बी ओ की जगह लिख देंगे 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई, सी ओ ई, सॉरी कौन सा, सी ओ ई,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो आपका सी ओ ई निकल के आ जाएगा यहाँ से, कौन सा आ जाएगा सी ओ ई निकल के आ जाएगा, सी ओ ई क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस के 70 डिग्री, तो आपका सी ओ ई कितना आ जाएगा आपका 110 डिग्री, कितना आ जाएगा 110 डिग्री का सी ओ ई आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब आपका जो सी ओ ई आ गया 110 आ गया, पर पूछ रहा है रिफ्लेक्स सी ओ ई, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में क्या रिफ्लेक्स क्या होता है, जब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है किसी का, तो हम क्या करते हैं 180 में से क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्या करते हैं 360 में से क्या कर देते हैं उसे माइनस कर देते हैं, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस का 110 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आ गया, ठीक है, एक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है बी ओ ई, अब हमें क्या निकालना है बी ओ ई, पहले हमने लाइन कौन सी ली थी, लाइन पहले हमने ली थी ए बी, हमने लाइन कौन सी ली थी लाइन ए बी ली थी, आप लिख देंगे ऊपर लाइन कौन सी ली थी लाइन ए बी ली थी। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक आप क्या कह रही है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हमारा आ गया सी ओ ई, आप याद रखेंगे सी ओ ई हमारा आया 110 का, सी ओ ई कितना आया 110 का आया है, ठीक है ना, मैं आपको रफ कर रहा हूँ आप समझ लीजिए, तो सी ओ ई कितना आया हमारा 110, कितना आया 110 आया है, ठीक है ना सी ओ ई। और देखो आपका बी ओ डी दे रखा है, आपका ये वाला दे रखा है, कितना दे रखा है 40 डिग्री, और पूछ कह रहा है आपसे बी ओ ई पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है बी ओ ई पूछ रहा है, तो आप लाइन सी डी देखिए, लाइन सी डी पर पूरे सारे एंगल कितने के होंगे 180 के होंगे, तो मैं लिखूंगा लाइन सी डी, कौन सा लिखूंगा लाइन सी डी ले ली मैंने आपको, तो कौन कौन से एंगल देखिए, लाइन सी ओ ई एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल कौन सा डी ओ बी इक्वल टू क्या होंगे आपके 180 के होंगे, कितने के होंगे 180 के होंगे, क्यों होंगे लीनियर पेयर, वही रीजन है हमारा लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब देखो सी ओ ई आपको कितना आया था 110 का, कितना आया था 110 का आया था, आपने निकाला था आपको अभी, क्योंकि आपने मैंने आपको निकाल दिया था, अब आपको ये नहीं सोच 250 नहीं लिखना है, वो तो रिफ्लेक्स आया था, वो तो रिफ्लेक्स आया था 250, तो हमारा सी ओ ई तो 110 है, बी ओ ई कितना है आपको निकालना है, बी ओ ई तो निकालना है आपको, फाइंड करना है बी ओ ई, ठीक है प्लस, और डी ओ बी कितना आया आपका, डी ओ बी है आपका 40 डिग्री दे रखा है, तो इक्वल टू 180 हो जाएगा ये, तो आपका जो बी ओ ई आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 180 में से क्या माइनस हो जाएंगे, तो 110 और 40 कितने हो गए 150, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, इधर जाके प्लस है तो कितने हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो बी ओ ई कितना आ जाएगा 30 डिग्री का आ जाएगा, कितने का 30 का आ जाएगा, तो जिस हिसाब से समझ में आ गई होगी बी ओ ई हमारा आ गया 30 का, और एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना आ गया 250 का, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बस आपको क्या देखना है कि लाइन कौन सी जा रही है और उस पर बनने वाले लीनियर पेयर एंगल कितने के होंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि लीनियर पेयर एंगल जो होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो कोई फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूँ आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, मैं जो रफ करता जाता हूँ वो आपको नोट करते जाना है साथ साथ, जिससे आपको कोई भी क्या है दिक्कत नहीं आई, अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख कर पुश कर कर एक बार वो देख सकते हैं, जिससे आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.14, ये 6.14 है हमारा, लाइन एक्स वाई, कौन सा एक्स वाई जो वाली दे रखी है आपको एक्स वाई, और एम एन, कौन सी एम एन जी वाली दे रखी है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, ओ पर, बिल्कुल कर रही है, और पी ओ वाई कौन सा बनना है, पी ओ वाई ये वाला एंगल जो बनना है आपका पी ओ वाई कितना डिग्री बनना है 90 डिग्री का, और आपको नहीं भी बनना होता तब भी आप समझ जाते कि ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल पी ओ क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3, क्या दे रखा है 2:3, ठीक है ना। तो सी निकालना है, तो मैं लाइन एक्स वाई ले लूँ, कौन सी लाइन ले लूँ मैं, लाइन ले लूँ मैं एक्स वाई, एक्स वाई के ऊपर जितने भी एंगल बनने होंगे सारे कितने के होंगे 180 के होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर, तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल 90 डिग्री, कौन सा एंगल 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री लिख ले, 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितने होंगे 180 के होंगे, क्योंकि ये क्या होंगे हमारे लीनियर पेयर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब यहाँ तक। तो अब देखिए ए को अब मैं मान लूँ 2x, ए की ए और रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3 देगा, तो ए मान लूँ मैं 2x और बी क्या मान लूँ 3x, ठीक है ना, लेट करके, ठीक है ना। 90 डिग्री
प्लस ए की वैल्यू मैंने मान ली 2x मान ली और बी की वैल्यू मान ली 3x, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 5x आ गया मेरा 180 माइनस 90, तो कितना आएगा 90 आएगा। 180 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, इधर जाएगा 5 किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा इसमें डिवाइड में। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 5 बन जाए 5 और 18 आ गया। कितना आएगा 18 आ गया, x बराबर कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है ना। अब मेरा x बराबर 18 आ गया है तो मैं एंगल ए निकाल सकता हूँ। एंगल ए कितना हो जाएगा मेरा 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा 36 हो जाएगा। एंगल बी क्या हो जाएगा मेरा आपका 3 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब मैंने एंगल ए निकाल लिया, कितना निकाल लिया 36 निकाल लिया, और एंगल बी निकाल लिया 54 निकाल लिया। अब मुझे सी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सी निकालने में क्या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास एंगल बी भी आ गया और एंगल सी निकालना है मुझे। तो हम कौन सी लाइन ले लेंगे, एम एन ले लेंगे, कौन सी ले लेंगे एम एन। तो एम एन पे आप देखिए, आप टेढ़ा करके देखिए फिगर को, कि इस तरह से देखिए आप फिगर को। तो मेरा जो एम एन बनना है, इस पर कौन कौन से एंगल बनना है स्ट्रेट लाइन में, बी और सी बनना है। कौन कौन से बनना है, बी और सी बनना है, जो वाले। तो ये कितने होंगे 180 के होंगे सॉरी बी तो हमारा निकल गया है 54, तो हमें सी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 180 में से 54 माइनस करेंगे, तो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो एंगल बी प्लस सी, देखिए एंगल बी प्लस सी इक्वल टू क्या होंगे 180 आप लिख लेंगे, ये लीनियर पेयर है, इतना आप लिख लेंगे। अब बी कितना आया हमारा 54 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180। तो एंगल सी जो निकल के आएगा, जगह नहीं है, मैं आपको अगले पेज पे लिख रहा हूँ, तो इसलिए आप क्या करेंगे प्रफ कर लेंगे इसको। देखिए मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है हमारा 180। ये क्या है हमारे लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब एंगल बी हमारा कितना आया 54 आया था, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल सी कितना आएगा आपका 180 माइनस का 54, तो एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा, आप माइनस कर लीजिए 10 में से 6 का 4 का 6, या 7 में से 4 जाएंगे 2, 126 आ जाएगा। एंगल सी कितना है 126, ठीक है। अब आपको चीज़ को निकालना है, समझना है, बस आपको ये देखना है कि बस लीनियर पेयर का वाला चीज़ याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आती है ये, ठीक है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन जी, आप आज हम लास्ट, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर जो वाला एंगल, और पी आर क्यू भी बराबर है, दोनों एंगल क्या है बराबर है, ठीक है ना। प्रूफ करना है पी क्यू एस और पी आर टी, क्या प्रूफ करना है पी क्यू एस और पी आर टी प्रूफ करना है, ठीक है ना। पी क्यू एस जो वाला एंगल, पी क्यू एस और पी आर टी जो वाला एंगल, बाहर जो एंगल बनना है वो हमें क्या करना है इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। क्या करना है इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। अब आप कैसे करेंगे देखिए, पहले आप हमें वैल्यू निकालेंगे यहाँ से पी क्यू आर की, किसकी वैल्यू, जो हमारे जो बराबर दे रखे हैं हमें वही देखना है कि हमें इन दोनों की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, इन दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को बराबर रख देना है। तो हमारा जो पी क्यू, अब आप देखेंगे जो वाली लाइन एस टी, ध्यान से समझेंगे आप, लाइन क्या है हमारी एस टी। तो जो हमारा एंगल जी वाला जो बनेगा एंगल 180 का होगा पूरा, इस बात को आप समझते हैं, ये चीज़ तो अब आपकी समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो एंगल बनेगा पी क्यू एस, कौन सा पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, कौन सा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 का हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल पी क्यू आर हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस का पी क्यू एस, क्या हो जाएगा 180 माइनस का पी क्यू एस, ठीक है ना। इसको मैं मालूम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से मैं पी आर क्यू, पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लूँ, इसी तरीके से पी आर क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पी आर क्यू की कैसे निकाल सकता हूँ, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर टी, कौन सा ज्वाला भी कितना होगा 180 का होगा, तो पी आर टी और प्लस एंगल पी आर क्यू,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मेरा पी आर क्यू कहाँ से, यहाँ से आ जाएगा मेरा 180 माइनस का पी आर टी, एंगल पी आर टी। यहाँ तक सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब देखिए दोनों क्या है हमारे, फर्स्ट और सेकेंड क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर करेंगे जब हम, तो हमारा क्या होगा, 180, ध्यान से यहाँ समझिए आप, 180 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है पी क्यू एस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस पी क्यू टी। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम ले देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ये चीज़ आ गई हमारी निकल के। देखो यहाँ से अब हमारा पी क्यू एस 180 इधर इधर भी है, 180 इधर भी है, तो इधर जाएगा 180 माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम 180 को हम देखिए इधर से इधर उठा के ले जाएंगे, तो हमारा किसका हो जाएगा, 180 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है 180, तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे, 180 में से 180 जाएंगे, क्या हो जाएगा, जीरो बचेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस पी क्यू एस इक्वल टू माइनस पी क्यू टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, पी क्यू एस इक्वल टू पी क्यू टी आ गया, क्या आ गया, पी क्यू टी आ गया। यहाँ तक बस ये में क्या करना था, प्रूफ करना था, हम लिख देंगे एन टू, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं करा हमने, हमने क्या करा, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर दे रखा है, तो यहाँ से पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू 180 कर दिया, क्योंकि लीनियर पेयर है, यहाँ लिख देंगे आप ब्रैकेट में लीनियर पेयर, जगह नहीं थी मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैं एल पी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, क्या लिख देता हूँ, एल पी, ठीक है ना, यहाँ भी क्या लिख देता हूँ, एल पी लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एल पी हो गया, अब पी क्यू आर यहाँ से क्या निकल के आ गया, 180 माइनस पी क्यू एस, अब इसी तरीके से पी आर टी और पी आर क्यू क्या दे रखे हैं हमारे, 180, ठीक है ना। अब पी आर क्यू क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस पी आर टी, हमने कैसे निकाला, तो हमने देख लिया पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू निकाल दी, तो दोनों बराबर, 180 से 180 चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है ना। अब हम करते हैं कल हम वीडियो करेंगे, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें हम तीन क्वेश्चन करेंगे, आज हमारे इतने ही थे वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सारे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर एक मिलते हम नई वीडियो के साथ, ठीक है ना, थैंक्स बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।